क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ दिन रात भर, ये गेम खेलती रहती हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। ठीक है गाइस, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि ये सब होने के बाद हमारा ये वाला डोर होता है अनलॉक। नहीं तो अगर हम वो नहीं करेंगे, इसमें से हमने अगर दो भी कर लिए ना, तो ये डोर अनलॉक नहीं होता, ये लॉक ही रहता है। अब देखो गाइस, हमें यहाँ पे रेड वाला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे रेड बटन नहीं, एक्चुअली वो सिग्नल है, रेड सिग्नल, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे स्क्वायर ये खुल जाता है गाइस। हमें यहाँ पे ग्लास फ्यूज लगाना होता है, जिससे कि ये लॉक हो जाता है। अगर हमने यहाँ से लगा दिया तो हम नीचे गिरेंगे सीधा, पर फिलहाल मैं ये नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ग्रैनी जिंदा हो गई होगी शायद, तो वो हमें किल कर सकती है, इसलिए मैं फ्यूज लगा रही हूँ। अगर आपको गिरने वाली वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं वो वाली भी नेक्स्ट इसमें करूंगी, कमेंट करो आप बस। तो देखो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर। मैं आपको हेलीकॉप्टर का पूरा सब एक्सप्लेन करती हूँ पहले, फिर हम बाद में करेंगे। तो ये देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा हेलीकॉप्टर की जो ये है ऊपर वाले, उसका ये टूट गई है, तो इसलिए हमें उससे पहले डक्ट टेप लगेगी, जिससे कि हम ये जोड़ सके। ब्लेड इसकी टूट गई है, ठीक है गाइस, तो फिक्स करने के लिए उसे हम यूज करेंगे डक्ट टेप। और ये देखो गाइस, इसका फ्यूल जो है हमारा एम्प्टी हो गया है, तो फ्यूल भरने के लिए हमें गैसोलीन टैंक लगता है, या फिर कुछ है रेड कलर का टैंक ही है, तो उससे हम फ्यूल उसका फिल करते हैं। ये गाइस यहाँ पे सब पड़ा है, गैसोलीन कैन है, सॉरी, सो गैसोलीन कैन से हम इसका पहले फ्यूल भर लेते हैं। और हेलीकॉप्टर में सबसे मेन चीज है वो है मैनुअल, विदाउट मैनुअल हम हेलीकॉप्टर एस्केप नहीं कर सकते, सो मैनुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको मैनुअल जहाँ भी मिले आपको ले लेना है, अगर आप हेलीकॉप्टर एस्केप कर भी रहे हो या फिर ना भी कर रहे हो, मैनुअल के मतलब आपको मैनुअल पे क्लिक करना ही है, वो वेस्ट नहीं होता अगर आप दूसरा एस्केप नहीं कर सके।